सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते चक दे टीवी दे प्रोग्राम पख दियां खबरां दे विच तुहाडा स्वागत है। इस प्रोग्राम च कुछ ताज़ा तरीन खबरां ते कुछ पख दे मुद्दयां दे उत्ते असीं पाउंदे आं चात। कोशिश रहिंदी है कि विस्थारित ते सकारात्मक चर्चा कीती जावे तां कि खबर या फिर मुद्दे दा सच खुल के तुहाडे सामने आ सके। और इस कोशिश च बकायदा मेरे नाल स्टूडियो च मौजूद रहिंदे ने उग्गे साहित्यकार ते सीनियर पत्रकार देसराज काली जी। काली जी, जी आया कहने जी, मेहरबानी। इस तो अलावा साढ़े सहयोगी पत्रकार गुरविंदर संधु भी साढ़े नाल मौजूद रहेंगे। संधु साहब, तुहानू भी जी आया कहने आ, मेहरबानी। शुरुआत इस प्रोग्राम की करते हैं उस नौजवान के नाम के नाल जिहड़ा नौजवान अज पंजाब दे हर उस बशिंदे दे चेतियां दे विच सुरजीत है। नौजवान किते किते उन्हूं अपना आइकन भी मानदे ने, किते किते उस शख्स दे बारे जिक्र भी छेड़दे ने, उहदी जिहड़ी दिख है उन्हूं अपनाउण दी भी कोशिश करदे आ। पर इंज लगदा हुंदा है कि बाहरी दिख जरूर अज दी नौजवानी अडोप्ट कर रही है, पर विचारधारा जो ख्याल सी ओ किते बहुत पिछे रह गया। जिक्र असी छेड़ना है इस प्रोग्राम के शुरू के शहीद आजम भगत सिंह होरां दा, क्योंकि 28 सितंबर 1907 नूं बंगा पाकिस्तान के विद्यावती ते किशन सिंह होरां दे घरे जन्मे भगत सिंह ने, जिहड़ा पहला भगता सी ते उस तों बाद जो कारगुजारियां उन्हें कीतियां, जिस तरीके नाल भरी जवानी दे विच इस मुल्क दी आज़ादी दे लई अपनी कुरबानी दित्ती, उस तों बाद उह कल्ला भगत सिंह नहीं रह गया, शहीद आजम भगत सिंह जिहड़ा उह बन गया। और अज जिथे जिथे पंजाबी खास तौर ते वसदे ने उह जरूर शहीद आजम भगत सिंह नूं याद कर रहे आ, कुरबानी नूं भी याद कर रहे आ। ते बहुत सारियां थावां दे उत्ते समागमां दा भी आयोजन कीता गया आ, बहुत सारे नौजवान उस तरीके नाल लड़ छड़वी पग बन के मुछां नूं थोड़ा जिहा ता दे के तां नूं खड़िया करके अज उस रूप दे विच अपने आप नूं रंगे हुए महसूस कर रहे आ। हालांकि इत्थे इह जिक्र करना बनदा आ कि जदों असीं अज दी पंजाब दी जवानी नूं देखदे आ ते इंज लगदा है कि जिहड़े सुपनिआं नूं लै के शहीद आजम भगत सिंह होरां ने अपनी कुरबानी दित्ती सीगी, वो सुपने अजे भी अधूरे आ। राह दसेरा बनना चाहते सिगे, कुछ लीहां उन्होंने पाईया सीगियां, शायद उन्होंने लीहां तो अज की जवानी भटक गई है। तो अज की जवानी सिर्फ अपनिया गड्डिया के उत्ते भगत सिंह की एक तस्वीर ला के नाल ये स्लोगन जरूर लिख सकते आ, अंग्रेज़ खंगे सी ताइयों टंगे सी, या लगदा फेर आना पऊ। पर किते भी जो भगत सिंह दी फिलोसफी सी, जो भगत सिंह दा अध्ययन सीगा, इन्हां नौजवानां दे विचों नज़र नहीं आउंदा। भगत सिंह दी ओह तस्वीर हर घर दे विच टंगी हुई नज़र आ सकती है, जिस तस्वीर दे विच भगत सिंह एक रुख दे ओट दे नाल या दरवाजे दी ओट दे नाल खड़ा है ते हाथ च उहदे पिस्तौल है, हाथ या तां फिर मुछां ते होएगा या हाथ जेब च होएगा। सो वह तस्वीर मिलती है, पर भगत सिंह दे हाथ च किताब भी हो सकती है, वह तस्वीर बहुत घट देखने को मिलती है। तो शायद यही कारण है कि नौजवान जिहड़ा आ भगत सिंह दा कुछ होर अक्स, कुछ होर सरूप जिहड़ा अपने मना दे विच वसा के बैठे आ। हकीकत की है, असल की है, भगत सिंह होरां दे सुपने की सी, क्यों उस नौजवान ने महज 23 कु सालां दे विच अपनी जवानी इस मुल्क दे लेखे ला दित्ती। वैसे तो मैं जिक्र जदों भी भगत सिंह होरां दा किते करां तां मैनूं इंज लगदा हुंदा कि असी लोग जम्मदे आ, जवानी माणदे आ, उस तों बाद बुढ़ेपा भी साडे उत्ते आउंदा, सानूं लगदा कि 60, 70, 80, 90, 100 साल बहुत उम्र जी लई आ ते काफ़ी है। पर सानूं इस गल दा खदशा हमेशा बणिआ रहिंदा कि असी बचपन तो जवानी चाहते हैं, जवानी तो बाद बहुत छेती बुढ़ेपे वाल तुर पैने। भगत सिंह वाहिद इहो जिहा नाम, इहो जिही हस्ती है जिहड़ा
अज तो जे कह लिए तो जदों वह शहादत 1923 दे पाँदा उस समय तो लैके तो जे 2018 की भी गल कर लिए तो अज भी 23 साल भगत सिंह सानू नज़र आता है, जवान नज़र आता, वो बुढ़ेपा आया नज़र नहीं आ रहा सानू। सो अज चर्चा की शुरुआत जी है वो असी भगत सिंह के जन्मदिन मौके उन्होंने फिलोसफी उन्होंने सुपने उन्होंने विचारधारा तो इस समय भगत सिंह होरां दे वल्लों दसे गए राह दे उत्ते साडी नौजवानी किन्ना कु तुर रही है, की परिस्थितियां साडे मुल्क दियां, सियासी तौर पर किहड़े बदलाव आ गए जिहड़े उस समय उन्होंने शहादत देण लई मजबूर करदे सीगे ते अज दे नौजवानां नूं मुल्क छड्डण लई मजबूर कर रहा। देसराज काली जी क्योंकि तुहाडा लंबा अध्ययन है खास तौर पर उन्हां हस्तियां दे उत्ते जिहड़ियां हस्तियां ने आज़ादी के संघर्ष के अपना वड्डा योगदान पाया सी, चाहे वह गदरी बाबयां की गल कर लिए, चाहे असी नौजवान भारत सभा की गल कर लिए जिहदे जरिए भगत सिंह होरां वर्गे नौजवान जिहड़े आ उह इस पासे वल नूं आउंदे आ। की देखदे हो उस समय के हालातों के विच ते अज दे हालातों के विच की लगदा कि अज दे समय जे भगत सिंह हुंदा उही भगत सिंह क्यों ना हुंदा ते उहदे अंदर उह हौसला पैदा होना सीगा कि भाई मैं कुरबान होने लई तैयार हां जवानी दे विच वी। या जी जसवीर शहीद आजम नूं याद करना लाजम है अज दे माहौल दे विच, अज दी प्रसंगिकता दे विच, अज दे संदर्भ दे विच, अज दे सोसाइटी नूं असी भगत सिंह होना दे परसपैक्टिव तो समझांगे तो मैनूं लगदा काफ़ी गल्लां स्पष्ट हो जाणगियां, साफ हो जाणगियां। जिहड़ा धुंधलका है ओनूं थोड़ा जिहा शीशा साफ नज़र आ सकदा सानूं कि समस्यावां दियां जड़ां कित्थे ने, क्योंकि वो बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है कि आइकन बने रहे भगत सिंह होरी पर वो जां तां मुछ कुंडी वाला जां हाथ च पिस्तौल वाला जां वो पगड़ी जिहड़ी केसरिया रंगा के शहादत की निशानी वांग वो भगत सिंह ही आया। एक इंटलैक्चुअल भगत सिंह, एक जीनियस भगत सिंह जो सी उस भगत सिंह की ना तो तस्वीर आई ना विचार अगे आए। मसलन मैं जिस वेले भगत सिंह नूं तसव्वर करदा अज दे कॉन्टैक्सट दे विच, अज दे संदर्भ दे विच, तां मेरे सामने उन्हां दी एक आउंदी है लिखत, वो लिखत है इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड। ड्रीमलैंड एक लंबी पोएम है जिहड़ी लाला राम सरन दास तलवाड़ होरां दी लिखी हुई, उन्होंने जेल च लिखी सी, भगत सिंह नूं पहुँचती है। भगत सिंह उस ड्रीमलैंड की भूमिका लिखते हैं, अंग्रेजी च है वह भूमिका, बाद पंजाबी दे विच भी छपी, बहुत ही हिस्टोरिकल दस्तावेज़ है और भगत सिंह की आइडियोलॉजी नूं अंडरस्टैंड करन वास्ते बहुत प्रामाणिक जिहड़ी आ वो लिखत है ड्रीमलैंड की भूमिका। हुण राम सरन दास तलवाड़ वो गदरी सी, गदराइट सन ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ 10th ਕਲਾਸ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੋਸ ਹੋਰੀ ਰਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਅਵਧ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਜਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲਿਬਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਛਪਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਬਰਟੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਸ ਦੈਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਬੰਬ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਹ ਲਿਬਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਸਵੀਰ। 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਅਮੀਰ ਚੰਦ, ਅਵਧ ਬਿਹਾਰੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਬਰਟੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਐਸਾ ਉਹਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸੈਡੀਸ਼ੀਅਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਬਤ। ਔਰ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਸਰਨ ਦਾਸ ਤਲਵਾੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਂਤਾ ਸਿੰਘ ਸੰਘਵਾਲ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗਦਰਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1913-14 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ
बंब असैम्बली च मारना सी। लाला राम संदास तलवार का नाम आता सीगा पहला कि वह मारनगे, पर क्योंकि वह रास बिहारी बोस नू डायरैक्ट जानते सी, और लारेंस गार्डन वाला जो बंब सीगा वह भी इन्होंने रखना सीगा लाला राम संदास तलवाड़ होर ने। उन्हों का रीज़न ये कि रास बिहारी बोस होर डायरैक्टली मिले होने करके उन्हों की गिरफ्तारी का डर सी। सो वो सारी गेम इधर जी जी गोरीले जड़े इनकलाबी सके जे लड़ रहे थे, वो गेम उन्होंने कित फेल ना हो जाए, कित इस तरीके का टारगेट ना हो जाए तो उन्होंने ड्यूटी नहीं लगाई गई। यानी एडा बड़ा और उन्होंने उम्र कैद हुई गदर राइट्स के पीरियड ड्यूरिंग दैट पीरियड। वो एक कविता लिखते हैं अंग्रेजी के ड्रीम लैंड, मैं वो पढ़ी है, क्या रिदम है, क्या शब्दावली है वो, और सब तो पहला मैं ही वह जेल चो मंगवा के छापी सी क्योंकि भगत सिंह होर की लिखित ड्रीम लैंड की भूमिका तो बहुत ही छप चुकी सी, बट वट इज़ ड्रीम लैंड ये किसी को ना सी पता। सो बहुत तरदद के नाल असी वो मंगवाई और छापी, बाद दे विच होर भी लोगों ने उन्हूं छापिया। हुण की है कि वो एक भगत सिंह कह रहे हैं कि ये मैं इस गदरी की जिदा मैं हुणे जिक्र करके कह लाला राम संदास तलवार बहुत बड़े सी, वो कहिंदे कि मैं फांसी कोठड़ी च बैठा, मैनू फांसी लगनी है, कहानी खत्म। पर जेड़ा बंदा उम्र कैद भुगत रहा है उन्हूं हर पल फांसी लग रही हुंदी है, हर पल फांसी। सो गदरी राम संदास तलवार मेरे सत्कार दे पात्र ने, मेरे तो बहुत बड़े ने उह, पर ये जिहड़ी पोएम है इट्स ए यूटोपिया, ये सुपन साज आ। मैं सोशल साइंस का बंदा हाँ, मैं क्रांति की गल करांगा, मैं सुपनिया की अवस्था के राम राज्य नहीं लियावांगा, मैं जमीनी हकीकत की गल करांगा। और उन्होंने फिर वो करदिया फिर जिहड़े जिन्हें भी यूटोपियन होए ऑल वर्ल्ड के यूटोपियन जिहड़ा है उन्होंने ऐसा क्रिटिसाइज किया, ऐसा एनालिसिस किया, और ऐसा साइंटिफिक तरीके दे नाल सोशलिज्म की व्याख्या जिहड़ी है वह भगत सिंह का पूरा आर्टिकल वह कर दिंदा। सैकेंड उन्हां दी बहुत जिहड़ी अहम दस्तावेज है वह है कि वह किरति दे विच ना किरति पार्टी वालों जिहड़ा मैगजीन कढ़िया जांदा सीगा किरति मासिक उहदे विच उह काम करदे सीगे, और विद्रोही दी कलम तो विद्रोही शब्द लैके अपने तखल्लस रख के उहदे तो उह आर्टिकल लिखदे हुंदे सीगे। उन्हां आर्टिकलां दे विच गदर राइट्स दीआं जीवनियां हैं, बड़ियां महत्वपूर्ण जीवनियां और थॉट प्रवोकिंग जीवनियां हैं। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਅਸ਼ੂਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲ ਦਲਿਤ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸ਼ੂਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 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 ਪਰ ਭੱਜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨ ਗੋਈਆਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਸਵੀਰ। ਅਛੂਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਛੂਤ ਨੂੰ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਤੋ ਉਹ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਿੰਪਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਿੱਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਦੇ ਰਾਈਟ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਐਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਜਸਵੀਰ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਗਦਰੀ ਮੰਗੂ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪ ਦੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲਾ ਦਾਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਲੂ ਕੇ 1920-21 ਦੇ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 1925 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1931 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਸਵੀਰ, 1931 ਦੀ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ
इट्स कोटड है गेल ओमबेट एक बड़ी वड्डी विद्वान है अमेरिकन वो कहिंदी कि 5 लाख लोग जिहड़े आ उह आ धर्म मंडल अपना धर्म लिखवाउंदे ने 1931 दी सेंसेक्स दे विच सो इन्ना इंपोर्टेंट आदमी है बट भगत सिंह उन्हां दी मूवमेंट नूं देख रहे ने कि ये मूवमेंट जिहड़ी आ एथनिक आइडेंटिटीज जिहड़ियां ने जिहड़ियां पहचाणां दी राजनीति है वो अंग्रेज ओ खेड रहा और अंग्रेज इनू सपोर्ट कर रहा मैं इस नुक्ते नु भी और नाल एक दो नुक्ते होर भी है जिन्हां दे ते मैनूं लगदा कि बहुत लाजमी है झात पैणी असीं उहदे ते भी चर्चा करांगे पर संधू साहब हुरी साडे नाल ने नौजवान ने नौजवान पत्रकार ने और नौजवानी दी नबज़ नूं बहुत चंगी तरह फड़दे ने मैनूं लगदा कि इहनां दी सोच दे विच्चों अज दा नौजवान की सोचदा है भगत सिंह नूं लैके उह बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां निकल के सामने आ सकदियां ने ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਮੁੱਛ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟੰਗੇ ਸੀਗੇ ਲੱਗਦਾ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੁਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੱਤਰ ਲਿਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ देखो एक तरीके दे नाल अज दा जिहड़ा नौजवान है अगर जे भगत सिंह दी विचारधारा दे नाल जुड़े भगत सिंह दी विचारधारा ते चले तो मैनू नहीं लगता कि जिहड़ा पंजाब दे विच नशे दा एडा वड्डा दौर चलन दिया है वह दौर जिहड़ा है वह भगत सिंह दी विचारधारा ते किते भी लागे बन्ने नहीं टुकदा जिहड़े अज दे नौजवान ने ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਕਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੁਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਸ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੀਪੀਪੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਟਖੜ ਕਲਾਂ 'ਚ ਸੌਂ ਖਾਧੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਂ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਧੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਨਵਾਂ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਛ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਸਟਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰਮ ਪੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤਕਾਰੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ
जो बॉबी देओल बनता है बिल्कुल वह है भगत सिंह अजय देवगन है अज की पीढ़ी के लिए भगत सिंह इतों तक ही सीमित होकर रह जाता जो फिल्म के जिदा का भगत सिंह दिखा दिता जाता वो ओह जहा ही भगत सिंह है पर भगत सिंह वो नौजवान सी जिहड़ा अध्ययन नाल जुड़िया हुआ सी भगत सिंह वो नौजवान सी जदों उन्हों तड़कसार फौजी आण के कहिंदा आ सिपाही जेल का कि चलो भाई तुहानू फांसी ते लटकाउणा है ते वो किताब पढ़ रहा हुंदा आ और ये दरख्वास्त करदा बस मैनू आ पन्ना कंप्लीट कर लैण दिओ ये मैं पढ़ के ते फिर तुहाडे नाल तुर पैंदा आ फांसी दे समय भी किताब पढ़ी जा रही है ते फिर जदों वो पन्ना कंप्लीट हुंदा पन्ने नू फोल्ड करके ते उहदे नाल किताब बंद करके जिहड़ी आ उह तुर पैंदे आ मैं भगत सिंह होरां दी विचारधारा ते जदों देसराज काली जी उहनां दी लिखतां दी गल करदा ते मैनू मेरे चेते च आउंदा है कि मैं नास्तिक क्यों आ जिहदे बारे खासे विवाद भी पैदा हुंदे आ बहुत सारियां गल्लां भी चलदियां मेरा ख्याल जे मैं गलत नहीं तां भाई रणधीर सिंह होरां नाल उहनां दी मुलाकात जिहड़ी आ उह जेल दे विच हुंदी आ ते इक समां इदां वी आउंदा कि रणधीर सिंह होरी इह कह दिंदे कि भाई इहने केस कतल करवाते मैं इहदे नाल मुलाकात नहीं करनी इहने सिखी कतल करवा दित्ती है दिलचस्प भी ने और फलसफे दसदे भी ने कि एक 23 साल का नौजवान अध्ययन का कितना मंझिया होया सीगा जसवीर जिहड़ा भी पक्ष लै लो जिहड़ा भी पक्ष लै लो जिहड़ा मैं पहला पक्ष छूया सी तुहाडे मैं नास्तिक हाँ क्यों दे बारे भी मैं कुछ गल्लां करना चाहवांगा जी वो ये सी धर्म मंडल मूवमेंट नूं लैके कि वह पहचाना की राजनीति नूं उस वेले ट्रेस कर रहा सी 1911 तो लैके 1931 तक का जो समा है अंग्रेज़ पीरियड दे विच जसवीर सेंसेक्स दीआं रिपोर्टां दसदीआं ने कि इंडस्ट्री मार्जनलाइज्ड हो रही सी हाशिए ते जा रही सी सनत साडी हाशिए ते जा रही सी फार्मिंग साडी जिहड़ा खेती सैक्टर जिहड़ा उह हाशिए ते जा रहा सी जिहड़े आर्टिजन सीगे साडे दस्तकार जिहड़े सी हत्थीं कम करन वाले समान बनाउण वाले जिहड़े सीगे लोहार सी ठठियार सी सुनियार सी जुत्तियां बनाउण वाले सन जां जिन्ने भी दस्तकार सन सारे मार्जनलाइज्ड हो रहे सी और सोसाइटी नगार वल नूं जा रही सी उहनां उस नगार नूं एड्रैस ना करन लग पवे सोसाइटी चो डिबेट ना चल पवे वो डिस्कोर्स ना शुरू हो जाए तो उस डिस्कोर्स नू लांबे करन वास्ते पर्दा पाउण वास्ते उस वेले अंग्रेज़ लोगां नू एथनिक पहचाना ते खड़िया करके डिवाइड करते ने दादू पंथी आ जाते ने राधा स्वामी आ जाते ने आर्य समाज आ जाता है कबीर पंथी आ जाते हैं बाल्मीक समाज आ जाता है आ धर्म मंडल मूवमेंट शुरू हो जाती है रामगढ़िया फैडरेशन शुरू हो जाती है सो मैनी जड़िया है वो एथनिक पहचाना खड़िया कर दी जाने और ये एथनिक पहचाना मैं क्यों कह रहा जसवीर कि अज ऑल ओवर इन द वर्ल्ड एथनिक आइडेंटिटीज़ की पॉलिटिक्स चल रही है अज वह वेला ही है 1911 तो 31 तक का असी उस 2011 तो 31 तक उस चीज़ चों लंघ रहे हैं रिसैशन के दौर चों लंघ रहे हैं इंडस्ट्री मार्जनलाइज हो रही है पंजाब का ही देख लो 20-25 हज़ार इंडस्ट्री जी माइग्रेट कर गई इतों बंद हो गई इंडस्ट्री किसान मार्जनलाइज हो रहा हाशिए से धक्या जा रहा दस्तकार मार्जनलाइज हो रहा हाशिए से धक्या जा रहा है सो सेम पोजिशन है और सेम पॉलिटिक्स है आइडेंटिटी दी पॉलिटिक्स दे विच असी किते आधर्मियां दे नाते लड़ी जाने हैं किते रामगढ़िया दे नाते लड़ी जाने हैं किते कबीरपंथियां दे नाते लड़ी जाने हैं असी फिर डिवाइड हाँ सो भगत सिंह अज भी विचारधारक तौर दे उत्ते लट लट जिहड़ा है वह बढ़ रहा है सैकंड जी मैं नास्तिक क्यों हाँ वाली गल है ना जसवीर बाद दे विच एक मैथिक जी क्रिएट कर दी गई कि भाई रणधीर सिंह उन्हां दा मुलाकात हुंदी है उन्हां दी फिर वो केस कतल कराने के उत्ते किंतु करते हैं भाई रणधीर सिंह होरी भी बहुत वड्डे केस वेले की रकाबगंज मूवमेंट के उत्तों शुरू करते हैं 1912 तो लड़ाई शुरू की हुई है उन्होंने और गदरिया के जिस वेले गदरिया ने फौजा च बगावत कर दी आता फिरोजपुर छौनी के जोड़े बंब पहुँचाए जाने से वो बंब भाई रणधीर सिंह और उनका जथा सरबलो जथा जेडे कीर्तनी जथा से वो अपने हारमोनीयम के अपन ढोलकियों के पा के लैके गए थे और उनके पिता जी आप अंग्रेजा के वेले के बहुत बड़े जज सन ये बावजूद उन्होंने घर के रेवोल्यूशनरी स्पिरिट वाले जोड़े भाई रणधीर सिंह होरी पैदा हुए और उन्होंने
गदे राइड्स की मदद की और उम्र कैद भोगी बहुत समा वो जेलों के उन्होंने जेल चिट्ठिया बहुत मशहूर किताब है। सो बट उन्होंने नाल जी डिबेट पेंदे ने भगत सिंह होरी वो डिबेट ये आ कि अध्यात्म तो साइंटिफिक विज्ञानिक नज़रिए दे उत्ते खड़े ने और विज्ञानिक नज़रिए राही ही वो सोशलिज्म की गल करते हैं, वो चाहे यूटोपियन कर रहे हो, चाहे अराजकता एड्रैस कर रहे हो, चाहे नौजवान एड्रैस कर रहे हो, चाहे वह अपने नास्तक होने बारे लिख रहे हो, साइंटिफिक विचार वाले। छोटी जी टिप्पणी मैं, क्योंकि समा ब्रेक का होने जा रहा, छोटी जी टिप्पणी मैं ताड़ी जानना चाहना है कि मौजूदा समय के अज के ताज़ा हालातों के जो असी भगत सिंह के व्यक्तित्व को देखते हैं, उनकी विचारधारा देखते हैं, तो अज की नौजवानी कितने खड़ी नज़र आती है? किते भी खड़ी नज़र नहीं आ रही। पिछले अतवाद के दौर तो बाद मैं जो पंजाब नू कल्ले नू लेना जसवीर, तो पंजाब नाल बहुत धक्का होया। पहले तो उस दौर का धक्का काला दौर है, सैकेंड उस दौर के बहाने दे नाल स्टूडेंट्स जेडे ने ना स्टूडेंट्स यूनियन जेडियां ने उन्होंने इलेक्शन के उत्ते रोक लगाई हुई है, यानी स्टूडेंट्स नू पोलीटिकल होन ही नहीं दिता। 30 साल हो गए अपोलीटिकलाइजेशन का दौर है, 3 दहाकों का और 3 पीढ़ियां ने जिन्होंने जागना सिगा, शुड बी पोलीटिकल स्टूडेंट, शुड बी पोलीटिकल। अज हो ही ना लड़ाई जे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के कुड़ियाँ अगे आ गई, कुड़ियाँ अगे आ गई और लैफ्टिस्ट दियाँ कुड़ियाँ, लैफ्टिस्ट सोच वाली कुड़ियाँ अगे आ गई। सैकेंड अज ताज़ा पटियाला यूनिवर्सिटी के कुड़ियां लिंगिक भेद नू लेके लड़ रही सड़कां ते आ गई, वह अद्धी रात नू उठ के स्टडी करन तुर गई, जाग रही। यस यस मिल गई आग्या उन्हां दी, बट मैं कह रहा कि वह जाग रहा है हुण। हुण फिर 30 साल उन्होंने पोलीटिकल नहीं होने दिता, हुण हौली 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 फिर अवेयर हो रहा है, हुण वह पोलीटिकल हो रहा। और जदों पोलीटिकल होएगा मैनूं लगता स्टूडेंट जाग गया है। नैक्सट जनरेशन जी आ जी जनरेशन ने PU दे विच कब्जा किया है स्टूडेंट्स यूनियन के उत्ते, और जिहड़ी जनरेशन ने पटियाला यूनिवर्सिटी के अपनी मंग मनवा ली आ कि जिद जे मुंडे रात को पढ़ सकते हैं तो असी भी पढ़ सकदियां, जे मुंडियां दा 24 घंटे होस्टल खुला तो साडा भी 24 घंटे होस्टल खुला रहना चाहिए आ, साडे नाल लिंगिक भेदभाव बिल्कुल ना करो। सो मैनूं लगता यह है कि उम्मीद मतलब जताई जा सकती है कि नैक्सट जनरेशन पर पिछलियां 3 दहाके का दौर जिहड़ा है वह पंजाब दे विच अपोलीटिकलाइजेशन का दौर है, सरकारी दाबे नाल स्टूडेंट नू पोलीटिकल ना हो देण दा दौर रहा है, हुण उम्मीद कीती जा सकदी, हुण उम्मीद कीती जा सकदी। फिलहाल भगत सिंह होरां दे जन्मदिन दे संदर्भ दे विच अज चर्चा इस करके छेड़ी है कि घट्टो घट भगत सिंह उन्हां दी विचारधारा, उन्हां दा व्यक्तित्व ते मौजूदा समें दी जवानी की कहिंदी है, उस सारे दी पड़चोल कीती जावे। समा एक ब्रेक का हो जा रहा है, ब्रेक तो बाद फिर मिलते हैं, देखते रहो चक दे टीवी।